हर दिन पावन श्रृंखला की आज 11 अक्टूबर की कड़ी में हम याद कर रहे हैं आधुनिक चाणक्य नानाजी देशमुख को। महाराष्ट्र के जिला परभणी के ग्राम कडोली में 11 अक्टूबर 1916 यानी शरद पूर्णिमा के दिन श्रीमती राजाबाई की गोद में जन्मे चंडिका दास अमृतराव यानी नानाजी देशमुख ने भारतीय राजनीति पर अमिट छाप छोड़ी। 1967 में उन्होंने विभिन्न विचार और स्वभाव वाले नेताओं को साथ लाकर उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस का घमंड तोड़ दिया। इस कारण कांग्रेस वाले उन्हें नाना फडणवीस कहते थे। छात्र जीवन में निर्धनता के कारण किताबों के लिए वे सब्जी बेचकर पैसे जुटाते थे। 1934 में डॉक्टर हेडग्वार द्वारा निर्मित और प्रतिज्ञित स्वयं सेवक नाना जी ने 1940 में उनकी चिता के सम्मुख प्रचारक बनने का निर्णय लेकर घर छोड़ दिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। उन्हें उत्तर प्रदेश में पहले आगरा और फिर गोरखपुर भेजा गया। उन दिनों संघ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। नाना जी जिस धर्मशाला में रहते थे वहाँ हर तीसरे दिन कमरा बदलना पड़ता था। अंततः एक कांग्रेसी नेता ने उन्हें इस शर्त पर स्थायी कमरा दिलाया कि वे उसका खाना बना दिया करेंगे। नाना जी के प्रयासों से 3 साल में गोरखपुर जिले में 250 शाखाएं खुल गई। विद्यालयों की पढ़ाई तथा संस्कारहीन वातावरण देखकर उन्होंने गोरखपुर में 1950 में पहला सरस्वती शिशु मंदिर स्थापित किया। आज तो विद्या भारती संस्थान के अंतर्गत ऐसे विद्यालयों की संख्या 50,000 से भी अधिक है। 1947 में रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर लखनऊ में राष्ट्रधर्म प्रकाशन की स्थापना हुई तो नाना जी इसके प्रबंध निदेशक बनाए गए। वहां की मासिक राष्ट्रधर्म साप्ताहिक पांचजन्य और दैनिक स्वदेश अखबार निकाले गए। 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगने से प्रकाशन संकट में पड़ गया। ऐसे में नाना जी ने छदन नामों से कई पत्र निकाले। 1952 में जनसंघ की स्थापना होने पर उत्तर प्रदेश में उनका कार्य नाना जी को सौंपा गया। 1957 तक प्रदेश के सभी जिलों में जनसंघ का काम पहुंच गया। 1967 में वे जनसंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनकर दिल्ली आ गए। दीनदयाल जी की हत्या के बाद 1968 में उन्होंने दिल्ली में दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की। विनोबा भावे ने भूदान यज्ञ और 1974 में इंदिरा गांधी के कुशासन के विरुद्ध जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए आंदोलन में नाना जी खूब सक्रिय रहे। पटना में जब पुलिस ने जयप्रकाश जी पर लाठियां बरसाई तो नाना जी ने उन्हें अपनी बाह पर झेल लिया। इससे उनकी बाह टूट गई पर जयप्रकाश जी बच गए। 1975 में आपातकाल के विरुद्ध बनी लोक संघर्ष समिति के वे पहले महासचिव थे। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी हार गई और जनता पार्टी की सरकार बनी। नाना जी भी बलरामपुर से सांसद बने। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई उन्हें मंत्री बनाना चाहते थे पर नाना जी ने सत्ता के बदले संगठन को महत्व दिया, अतः उन्हें जनता पार्टी का महासचिव बनाया गया। 1978 में नाना जी ने सक्रिय राजनीति छोड़कर दीनदयाल शोध संस्थान के माध्यम से गोंडा, नागपुर, बीड और अहमदाबाद में ग्राम विकास के कार्य किए। 1991 में उन्होंने चित्रकूट में देश का पहला ग्रामोदय विश्वविद्यालय स्थापित कर आसपास के 500 गांवों का जन भागीदारी द्वारा सर्वांगीण विकास किया। इसी प्रकार मराठवाड़ा, बिहार आदि में भी कई गांवों का पुनर्निर्माण किया गया। 1999 में वे राज्यसभा से मनोनीत किए गए। इस प्रकार मिली सांसद निधि का उपयोग उन्होंने इन सेवा संकल्पों के लिए ही किया। वर्ष 1999 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नाना जी ने 27 फरवरी 2010 को अपनी कर्मभूमि चित्रकूट में अंतिम सांस ली। उन्होंने अपने 81वें जन्मदिन पर देहदान का संकल्प पत्र भर दिया था। अतः देहांत के बाद उनका शरीर चिकित्सा विज्ञान के छात्रों के शोध हेतु दिल्ली के आयुर्विज्ञान संस्थान को दे दिया गया। 2019 में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत माता की जय।